अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाए। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में गुरु कृपा संतरा मंडी के पास पांडुरना। जिला बनने के बाद मंगलवार को शहर के जाम नदी के तट पर हुई पहली गोटमार में जमकर खून बहा। पांडुरना और सावर गांव दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसाए। दिन भर पांडुरना पक्ष झंडा तोड़ने के लिए तो सावर गांव पक्ष उन्हें रोकने के लिए संघर्ष करता रहा। हालांकि देर शाम तक सावर गांव पक्ष ने झंडा नहीं तोड़ने दिया और कई घंटों तक झंडे पर अपना अधिकार जमाते रहे। सालों के सर मेरे को तुम्हें देखते आ रहा हूँ। हाँ, तो हर साल ऐसे ही खेला जाता है और क्या होता है इसमें? हर साल सर बहुत उत्साह से मनाया जाता है ये त्यौहार, और पोले के दूसरे दिन मनाया जाता है। और क्या बोलते हैं, बहुत लोग इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि बाहर गांव के भी पब्लिक आती है, वो भी खेलते हैं और गाँव के भी खेलते हैं, पांडुरना के और सावर गाँव के भी खेलते हैं। और इसमें सर बहुत से लोग घायल भी होते हैं और कुछ परिस्थितियों में सर दो तीन लोगों की मौत भी हो जाती है सर कभी कभी। पहले में मेरे बड़े पिताजी देवराव सकड़े की भी मृत्यु हुई थी, तो मेरा हमेशा से प्रशासन से यही अनुरोध रहता है कि इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए कन्वर्ट किया जाए, जिससे कि किसी को हानि ना हो। क्योंकि धार्मिक शहर है, भावना है, यहाँ पर लोगों में बहुत सारी है। चंडी माता की पूजा भी लोग करते हैं, हम भी करते हैं उसकी पूजा। तो मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि जो हम परिवार हम लोगों के साथ में जो बीता है, ऐसा किसी और के साथ में ना बीते और इसको आस्था से ही ले। हमारे साथ मौजूद है पांडुरना थाना निरीक्षक श्री अजय जी मरकाम, और वो हमें बताएंगे किस तरह से पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सर इस बार जैसा प्रतिवर्ष हर साल जिस प्रकार पुलिस की व्यवस्था रहती है, उसी प्रकार इस वर्ष भी व्यवस्था लगाई गई है। चूंकि ये जिला बनने के बाद पहला गोटमार मेला का आयोजन है, तो इस बार और आगे सख्ती के साथ और उसको छोटी छोटी गलियों और भी बारीकी से इसका पुलिस व्यवस्था के लिए लगाया गया। दिन भर हुए इस खूनी संघर्ष में 600 से अधिक लोग घायल हो गए, वहीं 13 लोगों को गंभीर चोटें लगी है। घायलों में 5 लोगों को आंख पर चोट लगी है, जिनमें श्रावण निकाजू गायत्री कॉलोनी और एक अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। इसी तरह मारूड निवासी मुकेश सेम्बेकर 35 साल को सर, जगदीश डाबरे 24 साल निवासी गुजरी बाजार को पसली, विक्की बालपांडे 21 साल खारी वाट को सीने पर, और शुभम संजय शेंडे 23 साल निवासी नागपुर को खेल देखते समय पाव पर पत्थर लगने से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। गोटमार के खेल में चंडी माता मंदिर समिति के मनोज गुर्दे को नाक पर, भवानी वार्ड निवासी कैलाश घोड़े 35 साल को पाँव पर, धनराज नामदेव गाँव ने निवासी अम्बेडकर वार्ड को झंडी लगाते दौरान कान पर पत्थर लगने से चोट लगी। गंभीर रूप से घायल 8 घायलों को नागपुर रेफर किया गया है। पांडुरना पक्ष की कोशिशों के बाद भी वे झंडा तोड़ने में सफल नहीं हो सके। सावर गांव वाले झंडा सुरक्षित रखने में कामयाब रहे, लेकिन झंडे को नदी से बाहर निकालने में प्रशासन को बहुत परेशान होना पड़ा। देर रात लगभग 9 बजे झंडे को नदी से निकाला जा सका। प्रशासन और पांडुरना पक्ष के समन्वय के बाद सावर गांव पक्ष ने झंडा नदी से निकालकर चंडी माता मंदिर में रखा, जहां पूजा करने के बाद प्रसाद बांटकर मेला समाप्त हुआ। इससे पहले मेले में 3:15 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक पांडुरना पक्ष ने झंडा तोड़ने के लिए जमकर प्रयास किया। 5 से 7 खिलाड़ियों ने जान जोखिम में डालकर हाथों में टीन और लकड़ी की चद्दर की मदद से खुद को
बचाते हुए झंडे पर कुल्हाड़ी से वार किए। इस दौरान सावरगांव पक्ष जमकर पथराव करता रहा, देर तक कुल्हाड़ी से झंडा तोड़ने की कोशिश की, परंतु देर शाम तक सावरगांव पक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया। अंधेरा होने के बाद भी सावरगांव पक्ष नदी से झंडा नहीं लेकर जाने दे रहे थे, जिससे प्रशासन के सामने असमंजस की स्थिति बनी रही। जिले के प्रथम कलेक्टर अजय देव शर्मा, एसपी सुंदर सिंह गणेश, अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, एडिशनल एसपी नीरज सोनी, एसडीएम नेहा सोनी सहित अधिकारियों ने पांडुरंग इरस्कर के मकान पर बनी दर्शक दीर्घा में बैठकर दिन भर गोटमार देखते रहे। कभी दूरबीन तो कभी लाइव खेल को देखकर अपना अनुभव बढ़ाते नजर आए। तो ये लगभग 300 वर्ष पुरानी परंपरा है और यहाँ पर भवानी माता के मंदिर में झंडे का पूजन होता है, उसके बाद नदी में स्थापित किया जाता है और दोनों टीमें इसको खेल को खेलती हैं। उसके बाद जब समापन हो जाता है तो चंडी माता मंदिर में पूजन करते हैं। हमने और एसपी साहब ने मंदिरों में भी जाकर के समितियों से भी चर्चा की है, संवाद समन्वय और सहयोग ये किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, पिछले बार की तुलना में हमने कमिश्नर महोदय से आने से प्राप्त करके बैतूल से भी जिले से भी चिकित्सा व्यवस्थाएँ बनाई हैं। प्रशासन के सहयोग से जी मेडिकल गोटमार खेल के दौरान बीच बीच में कई बार गोफन चली। पांडुना और सावरगांव पक्ष दोनों ओर से गोफन के पत्थर देखने को मिले। प्रशासन ने गोफन चलाने वालों की पहचान के लिए मेले में ड्रोन कैमरे लगाए थे। जैसे गोफन की सूचना मिलती, ड्रोन पत्थर मारने वालों के पास पहुंच जाता था, जिससे गोफन बंद हो जाती थी। गोटमार खेल के दौरान देखने वाले भी खूब घायल हुए। रामदक्के के पास गोटमार देख रही एक वृद्ध महिला को सर पर पत्थर लग गया। वहीं कई युवक पत्थरबाजी को देखने के चलते घायल होने की जानकारी मिली। अधिकांश पत्थर सर और पांव पर लगे, जिसका उपचार कराने घायल पहुंचे। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार, पांडुर्ना।